पूरा विश्वास है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस लोकसभा में और विधानसभा में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाएगी, क्योंकि जितनी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में हैं उनसे सबसे निकम्मी सरकार और सबसे बुरी परफॉर्मेंस अगर किसी राज्य में हुई है तो हरियाणा के सरकार की, बीजेपी सरकार की पूरी वर्स्ट परफॉर्मेंस हुई है। वहाँ तो कोई सरकार ने उनकी चीज़ ले ली हरियाणा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी इलेक्शन होंगे विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी की पराजय होगी और कांग्रेस जीत जाएगी, और लोकसभा में भी कांग्रेस बहुत अच्छे वोटों से बहुत अच्छी सीटें लेकर आगे बढ़ेगी जीत। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जींद के अंदर जिस तरह से हमारे कांग्रेस के लीडरों ने और वर्कर्स ने मिल के काम किया, हालांकि वो हमारे लिए सबसे कमजोर सीट थी, बहुत ही कमजोर सीट थी, वो कोई ऐसी सीट नहीं थी कि जहां हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए अच्छी सीट थी, सबसे कमजोर सीट में भी हमें पूरा विश्वास है कि हम वहां जीत जाएंगे। एक सवाल सर, चूंकि उत्तर प्रदेश में आप लंबे समय तक प्रभारी रहे, प्रियंका गांधी वाड्रा को नई जिम्मेदारी ईस्टर्न यूपी की दी गई है और वो अभी उन्होंने प्रभार संभाला भी नहीं है, और जिस तरह की टिप्पणियां हो रही है, राजनीतिक टिप्पणियां हो रही है, ये दोनों चीजों को मिला के राजनीति में तो जब तक राजनीति टिप्पणी अगर न हो तो उसका मतलब है आदमी कमजोर है। जो आदमी भारी भक्कम होता है उसी पर टिप्पणी होती है, उसी से लोग डरते हैं। टिप्पणी क्यों करते हैं लोग? कमजोर आदमी पर कभी टिप्पणी आदमी नहीं करता है, क्योंकि उससे कोई खतरा नहीं। जिस व्यक्ति से या जिस लीडर से विपक्ष को या दूसरी दलों को खतरा रहता है, डर रहता है, तो उसकी छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने पिछले कई सालों से राहुल गांधी जी की छवि खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं। वो इसलिए नहीं कि वो राहुल गांधी को कुछ नहीं समझते, इसलिए कि वो राहुल गांधी को से डरते थे। और यही प्रयास अब भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरी पार्टी जो उनसे डरती है कि उनके आने से उन पार्टियों का नुकसान होगा, वो स्वाभाविक है, वो टिप्पणी करेंगे। लेकिन टिप्पणी करने जितनी वो टिप्पणी करेंगे उतना हमें फावे ट्रंप कार्ड है वो कांग्रेस के लिए। हरियाणा कांग्रेस में कई गुटबाजी देखी गई है पहले बहुत, ये मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गुटबाजी कोई किसी की है? ये जो एमपीज हैं कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पब्लिक मीटिंग, दूसरी पब्लिक मीटिंग में दूसरी हमारे कम से कम कोई लीडर दूसरी पार्टी के मंच से भाषण अपनी पार्टी के लिए तो नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा मेंबर, राज्यसभा स्टेटमेंट तो देते ही हैं, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में भी भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं। तो इससे बड़ी इनडिसिप्लिन और इससे बड़ी गुटबाजी किसी दूसरी पार्टी में है।